हेलो गुडीज, इस सब्जी के आगे सारी मूंग की सब्जी फेल है। ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि पूछो ही मत। आपने इस तरीके से सब्जी बनाई ना तो आपको लत लग जाएगी और आप इसी तरीके से ही सब्जी बनाओगे, बाकी का सब तरीका भूल जाओगे। पर हाँ, टेस्टी और हेल्दी भी बहुत है। तो देर ना करते हुए ये वाली रेसिपी देख लेते हैं। हाफ कप मूंग को एक कप पानी और नमक डालकर बॉईल करना है। देखिए, मूंग बॉईल होकर रेडी है। मूंग को ओवर बॉईल नहीं करना है, उतने ही बॉईल करना है कि वो दो भाग में आसानी से डिवाइड हो सके। हमें सब्जी के लिए इस तरीके का ही मूंग चाहिए। अब एक ग्रीन पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी जार में डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन, हरा धनिया, नमक डालकर एक पेस्ट तैयार करेंगे। कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून तेल और 1 टीस्पून घी। दोनों को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब जाएगा उसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना और हमने जो हरी वाली पेस्ट तैयार की थी ना वो डालेंगे। पेस्ट को 3-4 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, उसमें तेल रिलीज होने लगेगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा ही हल्दी पाउडर डालेंगे क्योंकि हमें सब्जी का कलर ग्रीन चाहिए। नमक डालेंगे। हमने यहाँ पे पूरी सब्जी के हिस्से का नमक डाल दिया है। देखिए, अच्छे से तेल भी रिलीज हो गया है। मिक्सी जार में पानी डालकर ग्रेवी में डालेंगे। 1/2 टीस्पून चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करके मूंग को ऐड करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ढककर 2 मिनट के लिए होने देंगे। फिर क्या, 2 मिनट में ये रेडी। अब सर्व करेंगे। सब्जी को रोटी या भाकरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप राइस के साथ खाना चाहते हो तो आप थोड़ी ग्रेवी वाली बना। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में जरूर बताना।